तो लास्ट क्लास में हमने डी और एल टाइप के ग्लूकोज को स्टडी की थी, है ना। डी ग्लूकोज मतलब जो हमारा OH ग्रुप है वो कहाँ होता है, जो सेकेंड वाला है, सेकेंड कार्बन पे, लास्ट से जो सेकेंड कार्बन पे OH है वो कौन से साइड पे रहता था, राइट साइड पे रहता था, ठीक है। अगर हम डी एल नोटेशन के बारे में बात करें, सो हम इसके लिए एक रेफरेंस कंपाउंड लेते थे। हम क्या लेते थे, एक सिंपल, जो सबसे सिंपलेस्ट ग्लूकोज है ग्लिसरेल्डिहाइड, उसके अकॉर्डिंग हम डी और एल का बताते थे, है ना। अगर इस तरीके से है, दिस इज द सिंपलेस्ट वन, सिंपल ग्लूकोज है ये। तो इसमें अगर जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन में OH हमारा कौन सा साइड पे है, राइट साइड पे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड, और इसको डी कॉन्फिग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डी कॉन्फिग्रेशन। ये है हमारा डी ग्लिसरेल्डिहाइड, और ये हमारा अगर OH इस साइड पे है तो इसको माइनस या फिर एल कॉन्फिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, दिस इज माइनस ग्लिसरेल्डिहाइड, या इसको एल कॉन्फिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही अगर ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज में अगर जो सेकेंड लास्ट कार्बन में OH है वो अगर कौन से साइड पे है, राइट साइड पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। सो डी ग्लूकोज को अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, पहले तो CHO रहता है, तो ये क्या हो गया, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों, क्योंकि इसका जो डी ग्लिसरेल्डिहाइड है उसी तरीके का क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डी। और क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो इसके साथ भी और हम क्या लगाते हैं, डी के साथ प्लस, ठीक है। सो हाँ, डी के साथ प्लस ही रहता है क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। लीवो रोटेटरी हमारा एल टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में होता है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में होता है। तो डी प्लस ग्लूकोज जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। फिर वो एल वाले का नाम दूसरा होता है, ठीक है। इसका नाम जो है आपकी बुक में, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, अच्छा हाँ, इसमें एक और है, ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो ग्लैक्टोज में क्या होता है, जो फोर्थ कार्बन है, अभी देखो फोर्थ कार्बन में OH इसी के साथ ही है राइट साइड में, और फोर्थ साइड में जो OH है वो अगर इधर आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैक्टोज। तो लिख लो, उसका भी डायग्राम बना लो, इन तीनों को बना लो। तो इसको हमने ग्लूकोज बोला, डी ग्लूकोज, फिर एक होता है ग्लैक्टोज, जो आगे हम लोग अभी डाइसैकेराइड्स में पढ़ेंगे, इसलिए उसको भी बना लो। इन तीनों को साथ में बनाना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना, कि डी ग्लूकोज क्यों है। फिर फोर्थ बनाते हैं ग्लैक्टोज, डी ग्लैक्टोज। इसमें समझ रहे ना, ये सब क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, कार्बन है। इसका नाम है डी ग्लैक्टोज, ठीक है। कहाँ पर चेंज हुआ है, इस फोर्थ कार्बन पे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सो फोर्थ कार्बन का ही OH में पोजीशन क्या हुआ है, चेंज। डी क्यों है, डी इसकी वजह से डी है, क्योंकि जिस तरफ सेकेंड कार्बन का OH हमारा कौन से साइड पे है, राइट साइड पे, तो इसलिए इसका डी पड़ा। पर ये ग्लैक्टोज क्यों हो गया, क्योंकि फोर्थ कार्बन का OH का पोजीशन चेंज हो गया, सो इट इज़ नाउ डी ग्लैक्टोज। चेंज कहाँ पर आया है, एक यहाँ पर फोर्थ कार्बन पर। स्ट्रक्चर याद रखेंगे ना, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें MCQ वगैरह में स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो याद रखना कि क्या क्या डिफरेंस होता है।
ग्लूकोज में आप देखोगे सिर्फ एक OH ही कहाँ रहता है, जो थर्ड वाले कार्बन का OH है वही लेफ्ट साइड में रहता है, बाकी सारे OH कहाँ दिखेंगे आपको, राइट साइड पे ही दिखेंगे, ठीक है। सो एक छोटा सा ही डिफरेंस है ग्लूकोज में, तो याद रखना कि कहाँ पर होता है। जनरली ग्लूकोज से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डी ग्लैक्टोज रिलेटेड सिर्फ एक डाइसैक्राइड में यूज करना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अब साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई, हमने तो इतने सारे 6 एक्सपेरिमेंट हुए हैं ना, और हमने देखा कि जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रिएक्शन आप किससे कराए थे, निकल वाला रिएक्शन जो कराए थे इन द प्रेजेंस ऑफ एच आई के साथ जब रिएक्शन कराए थे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब सबसे पहला सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखना, ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का सेकेंड एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने ग्लूकोज का एक्सपेरिमेंट एच आई से कराया था, तो हमको क्या मिला, एन हेक्सेन मिला, जिससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ग्लूकोज है वो क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो फिर उसके बाद साइक्लिक के स्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो वैसे तो जो सिंपल हमारा लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर था वो काफ़ी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ बता रहा था, बट उसके बाद भी कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पाया। तो एग्ज़ाम में कभी कभी आता है कि क्या रीज़न है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ गई हमको, ठीक, ये क्वेश्चन आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है, बता 14.10 क्वेश्चन नंबर 14.10 इनुमेरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा कौन कौन सा डी ग्लूकोज का रिएक्शन है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ने नहीं बताया, ठीक है। तो उसके तीन हैं, आप देखोगे जो बुक में फर्स्ट तीन रिएक्शन को लिखे हुए हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में, वही उसका रीज़न है। पहला क्या है, क्योंकि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो जो भी जो रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं वो रिएक्शन ग्लूकोज को देने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। जो शिफ्ट टेस्ट है, एक शिफ्ट करके है टेस्ट होता है जो शिफ्ट साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, शिफ्ट टेस्ट, ये शिफ्ट टेस्ट जो है हर एल्डिहाइड देता है, पर ग्लूकोज ने नहीं दिया वो टेस्ट। इसका मतलब है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये फ्री नहीं है, ये कहीं पर इंगेज्ड है, ठीक है। तो जो शिफ्ट टेस्ट है वो एल्डिहाइड देते हैं पर ग्लूकोज ने नहीं दिया। उसी तरीके से आपने देखा होगा जब मैंने आपको एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में कराया था, तो जो एल्डिहाइड्स है ना वो NaSCO3 के साथ रिएक्ट करके एक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। आप देख लेना, एल्डिहाइड में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, सबसे पहला रिएक्शन यही पढ़ा था एल्डिहाइड में, ठीक है। पर ये इसके साथ भी जो ग्लूकोज है वो रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब एल्डिहाइड का जो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिएक्शंस है वो ये वाला ग्लूकोज नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है इट इज़ नॉट ए फ्री, वो कहीं पर इंगेज है। दूसरा है द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमाइन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। जनरली जो उसमें CHO ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्शन करना चाहिए था। हमने देखा था NH2 इस टाइप का जो होता है ना XNH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमाइन ग्रुप, अगर वहाँ पर OH है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेमाइन। तो जितने भी कार्बोनिल ग्रुप्स थे, कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। पर इसका जो पेंटाएसिटेट था ग्लूकोज का वो इस हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वन, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। उसके बाद ये भी देखा गया है जो ग्लूकोज है वो अल्फा बीटा फॉर्म में भी मिलता है। तो भाई ये अल्फा बीटा क्या है, ठीक है। सो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो कैसे मिलता है, अगर हम ग्लूकोज के कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को 303 केल्विन पे गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। पर अगर उसी कंसेंट्रेटेड एसिड को हम कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को 371 केल्विन पे गर्म करके ठंडा करें तो फिर हमको जो क्रिस्टलाइन मिलता है वो क्या होता है, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सो अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर से, कैसे वो देखते हैं, ठीक है। सो ये तीनों जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधा थ्योरी में आते हैं, ठीक है। तो तीनों को लर्न करना ज़रूरी है। अब एक रिएक्शन जो हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था वो था
कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको एल्डिहाइड का याद होगा तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो इसके साथ किसके साथ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हेमी एसिटल। कैसे बनाते हैं, उस तरीके से अगर ये R डैश है तो क्या बना रहे हैं, हेमी एसिटल। क्या हो रहा है इसमें, ये इधर चला गया है तो, और ये R इसके साथ जुड़ गया है और ये इसके साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या बन रहा है, हेमी एसिटल बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। एक ही कार्बन से OH और OR डैश दोनों ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। ठीक, क्यों हो रहा है ये, जो ऑक्सीजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया यहाँ पर का, तो एक बॉन्ड टूट गया, ये O माइनस हो गया। इन दोनों में देखो तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव आ गया है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने ले लिया तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव। इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो कौन आएगा इस पर, OH जाके अटैच हो जाएगा, R डैश यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा तो मुझे मिलेगा हेमी एसिटल। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्डिहाइड एक अलग कंपाउंड है, ये अल्कोहल एक अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड में एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। पर ग्लूकोज में क्या होगा, उसी कंपाउंड के अंदर देखो अल्कोहल भी प्रेजेंट है ना, OH ग्रुप भी प्रेजेंट है ग्लूकोज में, और उसी में ही क्या है, एल्डिहाइड भी। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, एसिटल का फॉर्मेशन होगा। कैसे देखते हैं, ये समझ में आ गया ना, ये हम पढ़े थे एल्डिहाइड में हेमी एसिटल। बनाते जाओ मेरे साथ, हाँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी देखो एक ये वाला जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, यहाँ पर भी OH है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये यहाँ से जाके क्या हो जाएगा, अटैच। जैसे कि उसमें बन रहा था ना, कैसे बन रहा था, R CO R डैश और OH, वैसे ही यहाँ पर भी क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सो ये O कहाँ जाके कनेक्ट होगा, इसके साथ। ठीक है, बना लो इसको। तो यहां से ये OH कनेक्ट हुआ, ये H, ये O। ठीक है, ये OH कहाँ कनेक्ट हुआ, इस C के साथ, और ये O के साथ कौन कनेक्ट होगा, ये वाला, ये पूरा जो R ग्रुप है वो। ठीक, तो ये हो गया CH2OH। अब आप बोलोगे ये सिक्स कार्बन के साथ क्यों नहीं है, सिक्स कार्बन के साथ भी OH है ना, तो यहाँ पर भी हो सकता था कि ये जो है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाए, ये OH। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सिक्स कार्बन की चेन बनती है ना, या सिक्स जो मेंबर्ड की चेन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर देखना, सिक्स मेंबर्ड की चेन बनी है, 1 2 3 4 5 और ये सिक्स। तो जो साइक्लिक चेन बनी है उसमें कितने मेंबर हैं, सिक्स मेंबर। जैसे कि बेंजीन में कितने मेंबर होते हैं, सिक्स, इसलिए वो बहुत ही क्या है, हाईली स्टेबल है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो हमारा साइक्लिक है उसमें सिक्स मेंबर है, इसलिए वो बहुत क्या है, स्टेबल है। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जो जो बचा उसको लिख दो, अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, या तो OH यहाँ पर रहे या OH इस तरफ रहे। एक इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म बना सकते हैं इस तरीके से,
सो कार्बन वन में क्या हो रहा है, OH की पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर ऐसा हो कि कार्बन वन के जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आपने बताया था अभी, एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये दो बोथ आर क्या है, एनोमर्स है। अगर कार्बन वन जो फर्स्ट कार्बन, दिस इज अवर फर्स्ट कार्बन, सो फर्स्ट कार्बन में अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो द बोथ आर एनोमेरिक कार्बन्स, इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन्स बोलेंगे और ये दोनों क्या है, एनोमर्स है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन वन क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। सो OH अगर इस तरफ रहे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, तो OH अगर लेफ्ट साइड में है तो बीटा हो जाएगा, OH अगर राइट साइड में है तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर लिख लो कार्बन नंबर वन इज एनोमेरिक कार्बन, कार्बन नंबर वन इज एनोमेरिक कार्बन, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, पेयर ऑफ एनोमेरिक कार्बन का फुल स्टॉप करो, उसके बाद लिखो पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच डिफर इन दी कॉन्फिग्रेशन ओनली अराउंड C1 कार्बन एटम आर कॉल्ड एनोमर्स। सो अगर OH हमारा राइट साइड पे है तो वो अल्फा हो जाएगा और OH हमारा लेफ्ट साइड पे है तो वो बीटा एनोमर हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। कभी कभी सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही बनाने आ जाता है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का क्या बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ रहेगा, OH के पोजिशन पे, कहाँ पर, ओनली कार्बन नंबर वन पे, ठीक। अब ये तो है फिशर प्रोजेक्शन, फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, हावर्थ, जिसको हम बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन बनाया, ठीक है। हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनता है, इसका हम ना साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हम किसका बनाते हैं, बेंजीन का, ठीक है। सो इस अल्फा का बनाते हैं, चलो, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे पायरन से, ठीक है। पायरन इस टाइप का एक कंपाउंड होता है, ठीक है। इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पायरन से। तो पर इसमें क्या है, सब जगह क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसको सिंगल बॉन्ड से ही, जैसे यहाँ पायरन में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें क्या लगाएंगे, हम सब सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। और क्या याद रखना है, इसमें जो राइट साइड में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने नीचे लिखना है और जो लेफ्ट साइड में है उसको हमको ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखें, हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो है पायरन स्ट्रक्चर। सो कैसे बनाते हैं, ठीक, सब में ये लगा देना है। अब मैंने क्या कहा, राइट वाले को डाउन लिखना है, तो राइट में कौन कौन से, ये सब राइट में है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ये OH नीचे आ गया, इसका H नीचे आ जाएगा, इसका OH नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, सेकंड वाले में OH आएगा और थर्ड वाले में H आएगा, उसके बाद OH। अब जब इसकी बात आती है ना, तो CH2OH जो है हैवी वन है, तो इसको हम क्या लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, ठीक है, और इसको नीचे। अब बाकी जगह हम क्या लगा देते हैं, इसमें H लग जाएगा, इसमें OH और इसमें H। और ये सिक्स्थ कार्बन। तो याद रखना है कि राइट वाले को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, और लेफ्ट वाले को ऊपर लिखना है, ठीक है। सो राइट में कितने, देखो राइट में तीन OH हैं, तो तीन OH हमारे नीचे आ रहे हैं, ठीक। और ये CH2 जो हैवी ग्रुप है उसको नीचे नहीं लिखना है, उसको कहाँ लिखना है, ऊपर। तो ये है हावर्थ प्रोजेक्शन।
किसका है ये हवर्थ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन अल्फा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज में कहाँ पर चेंजेस आएगा, सिर्फ कार्बन नंबर वन पे, है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा में डिफरेंस कहाँ आता है, सिर्फ कार्बन वन पे आता है। तो वहाँ पर ही अगर ये अल्फा डी ग्लूकोज है तो बीटा में क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाले पोजिशन चेंज हो जाएंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो उसका भी बना लो, बीटा डी का भी बना लो। अच्छा, इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लाइकोपायरेनोज। पायरेनोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है पायरेन से मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोज। ये दिख रहा है कि नहीं वीडियो पे इधर का, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। ऐसे ही बीटा डी का भी बना लेना। ठीक है, इसको बनाने के लिए सिर्फ क्या याद रखना है हमको, ये वाला जो राइट में है डाउन, जो लेफ्ट में है वो अप। अब जो फ्रुक्टोज है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फ्रुक्टोज का भी यही स्ट्रक्चर होगा, उसमें भी हम क्या करेंगे, पहले फ्रुक्टोज का नॉर्मल स्टेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद क्या बनाएंगे, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें फिर वही होगा अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, जो फ्रक्टोज होते हैं, जैसे हमने ग्लूकोज देखा ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं, जो फ्रक्टोज होते हैं वो क्या होते हैं, लिवोरोटेटरी होते हैं। तो वहाँ माइनस आ जाएंगे, हम जो प्लस लिख रहे हैं हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, बस यही डिफरेंस है दोनों में। डाइसेक्राइड्स है कि नहीं कोर्स में, है ना, हाँ डाइसेक्राइड्स में तो सुक्रोज, डाइसेक्राइड्स में तीन आते हैं, सुक्रोज माल्टोज और एक माल्टोज सुक्रोज और वो लैक्टोज, तीन आते हैं, तो इन तीनों को तो पढ़ना ही है। फिर पॉलीसेक्राइड्स नहीं है, उसको हम ना नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो फिर प्रोटीन तो पढ़ा ही दिया है इसने कि प्रोटीन जो है क्या होते हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, मतलब अल्फा कार्बन में क्या होगा, एन एच टू ग्रुप अटैच होगा, है ना। अल्फा कार्बन मतलब जो सी ओ एच के जस्ट बाद वाला जो कार्बन है, दैट इज वर अल्फा कार्बन। सी ओ ओ एच है, इसके बाद वाला जो कार्बन है वो अल्फा, तो इसी अल्फा कार्बन से क्या होगा, एन एच टू। यहाँ पर आर भी हो सकता है, यहाँ पर एच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से उसके अलग अलग नाम हो गए। अगर यहाँ एच हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सी एच थ्री हो गया तो एलानिन हो जाएगा, और अगर सी एच थ्री टू आई सी एच हो गया तो वेलाइन हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते पता है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल लिखो, सिंपल कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो जो टेबल 14.2 है उसमें जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं उसको अलग से दिया है, और जो एसेंशियल है उसको एस्ट्रिक से मार्क कर दिया है। तो जितने एक्स्ट्रिक्स वाले हैं, जैसे कि वेलिन है, फिर क्या है, ल्यूसिन है, ये सब क्या है, हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो इसको आपको अगर याद रखना है ना, वेलिन और ल्यूसिन को तो आप वैल्यू की तरह याद रख सकते हो, वैल्यू, वेलिन और ल्यूसिन, तो ये क्या हो गया, वैल्यू। फिर एलानिन जो है और ग्लाइसिन जो है, दे आर नॉन एसेंशियल, तो उनका भी नाम आपको याद रखना है। तो एग्जाम में कभी कभी आते हैं कि दो नॉन एसेंशियल और दो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम लिखो, तो ये दो लिख सकते हो आप लोग, है ना। फिर ज्विटराइन क्या होता है ना, हाइड्रोलिसिस अगर करोगे अमीनो एसिड का तो हमको एक डाइपोलर आयन मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉलीमर्स हैं, जो मैंने बताया कि प्रोटीन्स होता है वो पॉलीमर होता है ना, सो पॉलीमर है मतलब दो जो हैं एमिनो एसिड आपस में कंबाइन हो रहे होंगे। अब जब दो एमिनो एसिड जो कंबाइन होते हैं बॉन्ड के थ्रू, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, दो एमिनो एसिड क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होके प्रोटीन मॉलिक्यूल की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, तो जिस बॉन्ड से वो बंधे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अब जब पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होते हैं तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल जनरली क्या होगा,
रिमूव होगा, तब हमारा पेप्टाइड लिंकेज बनता है, तो उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें क्या होगा, डेफिनेशंस आएगा कि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होता है, ठीक है। तो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर या फिर 14.4 में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ, इतना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं आएगा आप लोगों के एग्जाम में। हमको क्या आएगा, जो जैसे कि ग्लाइसिल एनाइन कैसे बनता है, इस टाइप का ज्यूटेराइन कैसे बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो हमको बहुत डीप में इनके हेलिक्स स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है उसमें हेलिक्स वगैरह को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमको, जैसे कि छोटे छोटे जो केमिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना, वही पढ़ना है, ठीक। थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं आएंगे इससे। थैंक यू।